हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज मैं बनाने वाली हूं घर पर ही बिस्किट। इसके लिए मैंने लिया है यहां पर बेसन एक कटोरी, एक कटोरी शुगर पाउडर यानी बूरा, आधा कटोरी मैदा, आधा कटोरी घी और 2 चम्मच सूजी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, पर इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके लिए मैंने एक बर्तन में ये घी लिया है, ये मैंने यहाँ पर घी ले लिया। अब इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी बूरा यानी शुगर पाउडर। ये आप चाहें तो घर पर चीनी पीसकर बना सकते हैं या फिर आप घर से बाहर आपको रेडीमेड मिल जाएगा। इसमें गुठलियाँ होती हैं दोस्तों, उसको आप आराम से ऐसे हाथ से फोड़ लें मसल कर। ऐसे मिक्स करने में भी फूट जाएगी, बस इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। इस तरीके का कुछ पेस्ट आपको तैयार करना है। ये बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए कितने आराम से मिक्स हो जाता है। इस तरह से ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया, काफी क्रीमी टेक्सचर आ जाता है इसका। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सूजी, इसके बाद मैं इसमें लूंगी बेसन, बेसन के बाद मैं इसमें डालूंगी आधा कटोरी मैदा, तब मैं इसको हाथों से ही इसका डो तैयार करूंगी। अगर ये थोड़ा हार्ड रहता है तो आप इसमें 2 चम्मच दूध मिला सकते हैं, पानी बिल्कुल नहीं लगाना है। ये मैं डो तैयार कर ले रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। ये देखिए हो गया डो तैयार। अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे मैं गैस जलाऊंगी, उस पर रखूंगी मैं कुकर। जैसे ओवन को प्रीहीट करते हैं उस तरह से मैं कुकर को भी प्रीहीट कर लूंगी। इसमें डालूंगी मैं नमक और इसकी सतह पर चारों ओर फैला लूंगी। के बाद मैंने इडली स्टैंड पे लगाया है घी और इस तरह से पेड़ा तैयार किया है मैंने। छोटा सा पेड़ा तैयार करना है क्योंकि जब ये पकता है तो फैल जाता है। इसको मैं चाकू से डिजाइन दे रही हूँ। आप चाहें तो इस पे थोड़ा सा दूध लगा के इस पे ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। और ये इस तरह से मैंने बिस्किट तैयार करके लगा लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो बिस्किट है ये एक के ऊपर एक नहीं आने चाहिए। ये जो बीच में जाली बनी हुई है इसमें दूसरी सतह का बिस्किट आना चाहिए। इसके बाद मैं इसको लगा देती हूँ। अब मैं इसको कुकर में रखूँगी। कुकर में रखने से पहले दोस्तों मैं फिर से यही बात दोहरा रही हूँ कि ये जो नीचे वाली बिस्किट है इसको जाली के ऊपर ही आना चाहिए, एक के ऊपर एक बिस्किट नहीं आने चाहिए। अब मैं लगाऊंगी कुकर का ढक्कन, इसमें मैंने सीटी नहीं लगाई है, आप चाहें तो रबड़ भी निकाल सकते हैं। और इसको मैं बिल्कुल धीमी आंच पे 17 से 18 मिनट तक पकाऊंगी। ये हमारे हो गए 17 से 18 मिनट बाद बिस्किट तैयार। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब मैं इसको निकाल लूंगी। ये मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब ये ठंडा हो गया है तो मैं एक चाकू के सहारे से इसको निकाल लूंगी। ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हमारे कुरकुरे बिस्किट।
मैं ऐसे ही कटोरी में निकाल ले रही हूँ। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे बने हैं बिस्किट, कैसे लगे बिस्किट। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय।